और देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख मुख्य प्रवक्ता सांसद अनिल बलूनी जी हैं। निरंतर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास प्रकट करते हुए और विकास की मुख्य धारा में साथ रहते हुए देश के वरिष्ठ नेताओं का पार्टी के अंदर पार्टी के प्रति आस्था प्रकट करते हुए सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में जंगल राज से परिवर्तन के सूत्रधार और पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सबसे विशेष बात जनता दल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह होगा आज पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण करें। तो आप ये सीधे तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली से और आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और सीधे तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली स्थित बीजेपी ऑफिस में सदस्यता ली है। तो अब आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ और देखिए बीजेपी एक नई समीकरण एक नई रणनीति साधने की कोशिश, हालांकि देखिए इसमें कोई नई बात नहीं कि आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए क्योंकि लगातार ये अचकलें लगाई जा रही थी। सबसे बड़ी बात बागी और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेहद करीबी एक वक्त में और एक वक्त था जब नीतीश कुमार की बात की जाए। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से कि आप संबोधित करें। माननीय धर्मेंद्र जी धन्यवाद। संजय जी मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक रूप में आदरणीय श्री आरसीपी सिंह जी को स्वागत करता हूं। आरसीपी सिंह जी आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के नाते काम करेंगे। मित्रों, संयोग से मेरा भी कुछ दिन बिहार से संपर्क रहा। मैं बिहार की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम किया, जिसके बारे में संजय जी ने उल्लेख किया। बिहार में एक कानून की राज स्थापित हो, बिहार में विकास हो, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, नागरिकों की सुरक्षा बढ़े, नौजवानों को अवसर मिले, इस प्रकार की राजनीतिक मुद्दे पे अटल जी की मार्गदर्शन में, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की मार्गदर्शन में एक राजनीतिक गठबंधन हुई थी। आज की बिहार को पटरी में रखने के लिए उस गठबंधन की बड़ी भूमिका रही। कई दिनों तक हम लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट को चलाया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को अपने निहित राजनीतिक उद्देश्य से, अपने निजी राजनीतिक एम्बिशन को चरितार्थ करने के लिए बिहार की मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार उस पे पीछे से छुराघात करते रहे। तभी जब हम काम इकट्ठा करते थे, हम रामचंद्र बाबू जी से बातचीत भी करते थे, जब पहली बार भी